दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर से क्लिक करें, क्योंकि जैसे मैं न्यू वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सो हेलो गाइस, डिमांड ऑफ चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कुछ स्पेशल। स्पेशल में क्या है ये आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। और चलिए आपको बताते हैं कि स्पेशल क्या है मेरे पास। तो दोस्तों, आज का स्पेशल है, आज हमारे पास दो वेप है, दो वेपिंग मशीन है, और जिसमें से मेरे पास पहला है ईगो AIO। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर के वेरिएंट्स में है मेरे पास। और दूसरा है मेरे पास मेरा स्ट्रैटर 3000। आज करेंगे दोनों की वेपर प्रोडक्शन और देखेंगे कि दोनों का वेपर प्रोडक्शन में बेहतर कौन सा है। तो दोनों मशीन की मतलब जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, ऑनलाइन प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, 100-200 रुपये का अंतर आता है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं वेपर प्रोडक्शन चेक इलीफ के ईगो AIO का। तो सबसे पहले करते हैं इसे ऑन। ऑन करना बेहद ही आसान है, 5 बार इस बटन को आपको प्रेस करना है। आप देख सकते हैं ये ऑन है। चलिए करते हैं वेपर प्रोडक्शन चेक और देखते हैं कैसा वेप निकलता है। ये है इलीव के ईगो AIO का वेपर। आपने देख लिया कि इलिफ के ईगो AIO का वेपर प्रोडक्शन ठीक है, बढ़िया है, कॉम्पैक्ट साइज है, इजी टू कैरी है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, इजी टू कैरी है। आप आराम से इसे अपने पॉकेट में आराम से आप इसे बेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छा है। और अब चलिए अब करते हैं दूसरा वेपर प्रोडक्शन चेक, जो है मेरा और आपका, हम सब का स्ट्रैटस 3000। मैं आपको क्लोजली दिखा दूँ स्ट्रैटस 3000। ओए तेरी कहाँ चला गया, ये देखिए स्ट्रैटस 3000। तो चलिए करते हैं इसे भी ऑन। तो ये भी सिंपल तरीके से ऑन होता है, 5 टाइम्स प्रेस करना है आपको, उसके बाद इसका वेपिंग ऑन है। तो चलिए करते हैं स्ट्रैटस 3000 का वेपर प्रोडक्शन चेक और देखते हैं कि वो उससे बेहतर है या नहीं। जो है सब आपके सामने है, आप खुद से इसे जज कर सकते हैं कि आपको किसमें वेपर प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है। तो ये था वेपर प्रोडक्शन स्ट्रैटस 3000 का। और जो मैंने आपको बताया, ये दोनों डिवाइस iWeb.in से मैंने लिया है, और ये दोनों डिवाइस बहुत अच्छा है, बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा से ये परफॉर्म करता है, बैटरी बैकअप भी इसकी बहुत अच्छी है। मैं 1 एम्पेयर यूज़ करता हूँ, और 1 एम्पेयर में मैं इसे दोनों को चार्ज करता हूँ, और बहुत ही अच्छा दोनों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको बैटरी लाइफ बताई, बैटरी लाइफ मेरे फुल चार्ज पे, फुल नहीं, 80-90% चार्ज पे ये मुझे 2-3 दिन का बैकअप देती है। और ये वेब मेरे भाई यूज़ करते हैं,
और मैं ये स्टेटस 3000 यूज़ करता हूँ। तो दोनों पेपर प्रोडक्शन आपको मैंने दिखाया, और एक बार और मैं दोनों का आपको दिखा दूँ। ये है फर्स्ट स्टेटस 3000, ये स्टेटस 3000 है, और ये है इलीफ एगो AIO स्मॉलेस्ट लेकिन सॉलिड। ये जो बॉक्स है, ये जो मशीन है, ये इजी टू कैरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका वेपर प्रोडक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज है, इतना है कि अगर आप नए हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, अगर आप और भी नए हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप नए हैं तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं खुद नया था तो मैंने सबसे पहले स्टेटस 3000 लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने ये ट्राई किया अपने भाई के लिए। तो दोनों का वेपर प्रोडक्शन आप देख चुके हैं। अगर आपको दोनों में से कोई भी वेप से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियो क्रिएट करके मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।